पक्ष विपक्ष में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्र सरकार आईएएस कैडर नियम 1954 में संशोधन करने जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ये संशोधन 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के आगामी सत्र में पेश करने पर विचार कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर विवाद खड़ा हो गया है। इस प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ी आपत्ति जताई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। ममता ने फैसले को वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा कि आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए नियमों में बदलाव से राज्यों का शासन प्रभावित होगा। उन्होंने लिखा कि ये संशोधन न केवल सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है, बल्कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के पदस्थापना के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा सौहार्दपूर्ण समझौते को प्रभावित करता है। ममता ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच जो परामर्शकारी और इंट्रैक्टिव भावना है, उसके खिलाफ कोई कदम न उठाया जाए, उसे बदलने का एक तरफा तरीके से प्रयास न किया जाए, कैडर रूल्स को लेकर संघवाद की भावना को कायम रखा जाए और इन प्रस्तावित संशोधनों को तुरंत वापस लिया जाए। आईएएस नियम कहता है कि केंद्र अधिकारियों की भर्ती करता है, लेकिन जब उन्हें उनके राज्य कैडर आवंटित किए जाते हैं तो वे राज्य सरकार के अधीन आ जाते हैं। इस तरह संघीय ढांचा काम करता है। आईएएस कैडर नियमों के अनुसार एक अधिकारी को संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है। 1969 में एक नया नियम जोड़ा गया था जिसके मुताबिक किसी भी असहमति की स्थिति में केंद्र सरकार फैसला लेगी और राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के फैसले को लागू किया जाएगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी ने 12 जनवरी को सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को आईएएस कैडर नियम 1954 में संशोधन के लिए प्रस्ताव शीर्षक से लिखे एक पत्र में कहा कि एक अधिकारी जिसे केंद्र प्रतिनियुक्ति पर चाहता है अपने संबंधित कैडर से रिलीव करें, भले ही संबंधित राज्य सरकार इससे सहमत हो या ना हो या एक निश्चित सीमा के भीतर अपनी सहमति ना दे। केंद्र ने इसके लिए 25 जनवरी से पहले राज्यों से जवाब मांगा है। ये पत्र करीब एक महीने पहले 20 दिसंबर 2021 को राज्यों को भेजे गए पहले के संशोधन प्रस्ताव की अगली कड़ी है। दरअसल पहले प्रस्ताव में केंद्र ने राज्य सरकारों से प्रति नियुक्ति के लिए आईएएस अफसरों की सूची भेजने को कहा था। पहले के प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से तय करेगी। इस प्रस्ताव में कहा गया कि यदि संबंधित राज्य सरकार असहमत होती है तो इस मामले में केंद्र सरकार फैसला लेगी और संबंधित राज्य सरकार एक निश्चित समय के भीतर केंद्र सरकार के फैसले पर अमल करेगी। हालांकि हालिया पत्र में मसौदा प्रस्ताव में थोड़ा बदलाव किया गया और कहा गया कि विशिष्ट स्थितियों में जहां केंद्र सरकार को जनहित में कैडर अधिकारियों की सेवाओं की आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार ऐसे अधिकारियों की सेवाएं ले सकती है और संबंधित राज्य सरकारें निश्चित समय में यह फैसले को मानेंगी। और दरअसल ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि सरकार ये फैसला क्यों लेना चाह रही है, क्या वजह इसके पीछे है और अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इसका विरोध करती हैं तो उसकी मुख्य वजह क्या है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। बादल देवनाथ जी हमारे साथ है, टीएमसी के लीडर है। और मधुकर गुप्ता जी हमारे साथ है, एक्स आईएएस है। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे है, केंद्र सरकार आईएएस कैडर नियम 1954 में संशोधन करने जा रही है, सर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? केंद्र सरकार के अपना अधिकार है, अगर वो इसको सोचती है कि इसमें संशोधित करना चाहिए 1954 से लेके आज, देश को जो है 60-70 साल हो गया और उसमें अगर कोई और अच्छी चीज डाल के और को अच्छे तरीके से किया जाए। बहुत ऐसे आईएएस अफसरों को लेकर एक रहता है कि ये हर एक राज्य में इनके लिए कैडर आवंटित
एक्स कैडर पोस्ट ये होना चाहिए, कैडर पोस्ट ये होना चाहिए। तो बहुत सारी सुधार की जरूरत है और सुधार को लेकर इस तरह से आशंकित होने की जरूरत नहीं है किसी भी राज्य सरकार को। एक तो ये बात होगी, दूसरी कि ये ममता बनर्जी आज जो ये सरकार और सहकार और संघीय ढांचे की जो ये वास्ता दे रही है, शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने केंद्र सरकार की 32 ऐसी योजनाओं को, नेहा जी, जो जनता को आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि, क्रम योगी निधि, इसी तरह से जन आरोग्य निधि, आपको मैं बताऊं 32 ऐसी योजना है जो गरीब और वंचित लोगों के लिए केंद्र सरकार ने आवंटित किया वहां पे, और उसको इस राज्य सरकार ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये मोदी सरकार की योजना है, हम इसे लागू नहीं करेंगे। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली क्या बात नहीं, आपने कहा कि केंद्र सरकार का खुद का फैसला है, केंद्र सरकार को लगता है जरूरत है इसलिए 1954 में संशोधन, अब ये जो नियम है कैडर का उसमें संशोधन करने जा रही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि वही जो सवाल मेरा था कि जरूरत क्या लगी, क्या जरूरत ऐसी है, उनका खुद का अधिकार है, वो कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी सर कि इसमें बदलाव करने की अब नौबत आई या फिर उनको लगा कि अब बदलाव करने की जरूरत है? ये मेरे से सवाल जी है? जी आपसे ही। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पहले भी 2-3 आयोग जो हमारी प्रशासनिक आयोग जो बना और उन आयोगों का जो रिकमेंडेशन था, और ये बहुत समय से लंबित था, जिसको जिसमें एक सुझाव था कि हम लगातार जो हमारी एक प्रशासनिक व्यवस्था है देश में और उसमें जितना भी हम और भी चीजों को हम उसमें डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इनकी नौकरी है, नौकरी के दौरान इनका जो एक किस तरह से हम इसको अच्छे से हम इनको राज्य सरकार के साथ इनकी जो एक आप ये कह लीजिए कि इनकी एक राज्य सरकार के साथ इनका जो एक अभी ढांचा है कि भाई इतने टाइम तक आपको यहाँ नौकरी कर, उसके बाद आपको सेंट्रल डेपुटेशन पे आना है, फिर सेंट्रल डेपुटेशन से फिर आपको राज्य सरकार के बीच में जाना है। तो इस तरह की चीजों को करना और इन सब चीजों के बीच में एक समन्वय पैदा करना, यही हमारा एक सबसे बड़ा लक्ष्य था। और इस लक्ष्य को हम इस सुधार के साथ, हम इसको सुधार ही कहेंगे, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये किसी तरह से हमारे लिए जो है कोई, हम इसके जरिए कोई हम उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। और केंद्र सरकार कोई भी ऐसा काम अपने, कोई भी IRS हो, IAS हो, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से हो, इंडियन ऑडिट सर्विस से हो, अब ये सारे में सरकार कहेगी कि नहीं जी आप इनको भी, ये तो सब एक ही है ना, सब UPSC से ही आते हैं, तो सिर्फ IAS में ही क्यों, IPS के लिए क्यों नहीं। तो ये इस तरह की चीजें जो है ना, बहुत पिक एंड चूज करके ये बात करना और ये राजनीतिक चटकारे के साथ इसको लेकर जनता के सामने आना, तो जनता भी समझदार है और जनता भी इस चीज को समझती है कि इस तरह की बातों को ममता बनर्जी जैसा व्यक्ति अगर उठा रहा है तो उसका मतलब क्या है। तो देश के बारे में सोचते नहीं है ना, ये अपने ही देश में, अपने ही देश में निधि जी अपने ही योजनाओं को लागू करने के लिए मना कर देते हैं, अपने ही देश में ये धर्म के आधार पर इमाम मौलवियों को सरकारी खजाने से पैसे बांटते हैं। तो इन लोगों का तो भारतीय संविधान पे कोई यकीन ही नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान पर यकीन नहीं है बादल जी आप लोगों का, और साथ ही साथ ममता बनर्जी की क्या ये आदत हो गई है कि हर बात का विरोध करना है, केंद्र के हर फैसले का विरोध करना है, जिस बात का जिक्र अभी महेश जी कर रहे थे, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि ये जो संशोधन होने वाला है, ये संशोधन न केवल सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है बल्कि IAS IPS अधिकारियों की पदस्थापन के मामले में केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा सौहार्दपूर्ण समझौते को भी प्रभावित करेगा? मैडम, ये जो भाजपा का जो गवर्नमेंट है, जो भी संशोधन जो भी बिल पार्लियामेंट में लेके आया और राज्यसभा में और उच्च कक्ष में लेके आया, उसमें कोई ना कोई स्वार्थ था। 2014 से 2021 तक 22 आ गया, बस तक आप बता दीजिए नीतीश जी देश के लिए क्या किया, एक योजना बता दीजिए, पूछिए महर्ष जी को पूछिए, एक योजना का नाम सफलता से संपूर्ण हुआ, लेकिन आज तक एक योजना नहीं है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीति सम्मान का बात किया, जो भी योजना ये डिक्लेयर किया था 2014 से 15 लाख का, इस फैसले का विरोध क्यों, इस संशोधन के विरोध में क्यों ममता बनर्जी, इस पे आइए ना सर।
उसमें ही आंसर है, 3 सेकंड तो टाइम दीजिए। तो जो भी योजना की हाई स्पीड ट्रेन, स्मार्ट सिटी, जो भी किया था, लेकिन एक सफलता नहीं था। जो सरकारी प्रशासन के ऊपर जैसे एक दबाव डालने का जो कर रहा है, एक कोशिश बिल्कुल गलत है। ममता बनर्जी हर बात में विरोध नहीं करते है, ममता बनर्जी विरोध करती इस कारण में जो देश के लिए, देश के लोगों के लिए, देश के आईएएस आईपीएस जो ऑफिसर है, आईआरएस के ऑफिसर है, सबके लिए करती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का काम है देश के लोगों को सेवा करना, और सेवा का आपको समझ में प्रॉब्लम होता है, लेकिन मोदी जी को समझ में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मोदी जानते एक ही शख्स है जो पूरे देश में जो विरोध हुआ है ममता बनर्जी। कोई भी ऐसा कोई अदालत का उठाएंगे तो हम तो पार्लियामेंट इस फैसले से, केंद्र के इस फैसले का विरोध क्यों, क्या बदलाव होगा और उसका आप क्यों विरोध कर रहे हैं सर? करेगी क्योंकि अभी अभी तो आप पास करने दीजिए, उसके बाद तो देखा जाएगा क्या हो रहा है नहीं। उसके बाद तो कोई तो प्रॉब्लम, कोई समस्या तो उनके सामने तो है, समझ रहे हैं, तो उसके बाद जब खुलासा करेंगे तब उठ सकते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अगर संशोधन होता है तो आपको क्या लगता है, क्या क्या चाहता है केंद्र और किस मंशा के तहत ये बदलाव किया जा रहा है? पार्टी लाइन के खिलाफ एक शब्द हम नहीं कहते, पार्टी साइंटिफिक चल रहा है हमारे पार्टी, और ऐसा ऐसा कदम पहले ममता, पहले मैं कुछ नहीं, दीदी जब बोलेगा उसके बाद हम सब बोलेंगे। तो सर ये तो बताएंगे कि विरोध क्यों हो रहा है, ये तो आप बताएंगे, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कम से कम ये तो बताइए कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे है? आप समझ में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ में प्रॉब्लम हो रहा है क्यों? मैंने आपको जब कहा बेटी बचा बेटी पढ़ा, क्या हुआ? बेटी बचा बेटी पढ़ा एक पैसा नहीं दे रहा। आज उत्तर प्रदेश का पला नहीं करता, काश्मीर में 370 हटाने के बाद क्या हुआ? काश्मीर जंगी खत्म हो गया, अभी भी गली चल रहा है। तो मोदी जी जो भी फैसला लिया, अब ये मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया हुआ, हाई प्लांट एक ठीक है, जो मोदी जी फैसला ले रहे हैं वो सही नहीं है, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं ना? आपको अभी सहन नहीं हो रहा है जब फाइव प्लांट का बात? क्यों आप मुझ पे क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? मुझे ऐसा क्या होगा कि सहन नहीं हो रहा? इस पे फाइव प्लांट हुआ, मोदी जी जो भी करते हैं, जो भी करते हैं एक भी सफलता आपका नहीं मिला, इससे स्थिति का जाती है रास्ता पूरा काम हो रहा है, सब काम हो गया, ठीक है, बजट नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। महेश जी मैं मधुकर जी का रुख करूं, उससे पहले जल्दी से जवाब दे दीजिए इनकी बातों का। ये कह रहे हैं कि जितने फैसले लिए हैं मोदी सरकार ने सब बेकार फैसले लिए, इसलिए इस फैसले का भी विरोध है। प्लीज दिया जी 10 मिनट, मैं आती हूँ सर, फिर मैं आऊंगी आपके पास, फिर मौका दूंगी आपको। ये देश विरोधी लोग हैं, ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये कानून विरोधी लोग हैं, ये जन विरोधी लोग हैं, ये इनके पास जो है इसी तरह के राग, ये क्या क्या करते हैं? ये संसद में जाते हैं, ये संसद में पत्थर मारते हैं, ये कागज फेंकते हैं, कागज फाड़ते हैं, बिल फाड़ते हैं, इनके लोग जो है अभद्रता करते हैं, गाली बकते हैं, देश के कोई भी संविधान वहां ना माना जाता है पश्चिम बंगाल में, ना उसके ऊपर अमल में लाया जाता है। अब ये आईएएस को लेकर, आईएएस के जो सर्विस मैनुअल है उसमें अगर हम कहीं बदलाव कर रहे हैं 54, 55 या 60 साल के बाद, और उसके ऊपर ये ममता को मिर्ची लग रही है, तो इसके लिए तो देश जिम्मेवार नहीं है ना? ममता बनर्जी के हिसाब से तो देश नहीं चलेगा ना? और देश में अगर वो इस तरह से चीजों को अराजक तरीके से वो बात करेंगी तो जाए ना सुप्रीम कोर्ट, अगर उनको केंद्र सरकार की किसी नीति में है ठीक है। जब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये बताइए कि आप क्योंकि पूर्व आईएएस है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो नियम है, जो आईएएस कैडर नियम है 1954, क्या वाकई उसमें बदलाव की जरूरत है? और अगर बदलाव, जिस बात का जिक्र अभी केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है या फिर जो बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, क्या उसकी जरूरत है क्या इस वक्त? देखिए, और सभी अधिकारी और जो लोग व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं सारे देश में, केंद्र में या राज्यों में, वो इस बात पे एक ही राय होंगे कि जो स्वतंत्रता सिविल सर्विस को पहले होती थी वो आज के समय में नहीं है जी। आज हम केंद्र की बात कर रहे हैं, आप निगाह दौड़ाएं पिछले 75 साल में
किन किन राज्यों में, बहुत सारे मैं नाम ले सकता हूँ उन राज्यों के भी जहाँ अधिकारियों के खिलाफ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के चलते बहुत कार्रवाइयां की गई, अनैतिक कार्य किए गए, उनको सस्पेंड किया गया, उनको जेल में डाला गया। ऐसे ऐसे राज्य थे जहाँ एक वक्त में 10 से 20 अधिकारी आईएएस आईपीएस जेल में थे। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आप कभी अधिकारियों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वो कितने त्रस्त रहे हैं राज्यों में भी। तो ये केंद्र सरकार जो देखिए जो नियुक्ति होती है आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति सिलेक्शन नियुक्ति केंद्र सरकार करती है या उसके इदारे करते हैं जैसे यूपीएससी है। तो जब तक हम इनको स्वतंत्र रखेंगे, अच्छा आज देखिए कोई भी, हम तो कई सरकारों के साथ काम किया मैंने केंद्र में भी राज्य में भी, पर हर मुख्यमंत्री हर पॉलिटिकल लीडर हर पार्टी हमें अपने दिशा निर्देश से चलाना चाहती है जी, जी। और हमारी बहुत बड़े पैमाने पे हमारी प्रमोशंस आज वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं गलत सही उस पर डिपेंड करता है। अमुक पोस्ट पे लगाने का क्राइटेरिया आज की डेट में ये नहीं है कि सबसे काबिल आदमी कौन है, वो क्राइटेरिया ये बन के रह गया है कि हमारा साथ कौन दे रहा है, हमारे इशारे पे कौन काम कर रहा है। ये सारी चीजें जो है, ये विकृतियां जो है हमारे देश और देश के प्रशासन के लिए अच्छी नहीं है जी, जी। अच्छा फिर अब एक नया रूल आया है 360 डिग्री एम्पैनलमेंट का। ये जो केंद्र सरकार जो करना चाहती है वो सही है क्या, वो अधिकारियों के हित में है या फिर उससे क्या प्रशासन राज्य का प्रभावित नहीं होगा क्या? देखिए ऐसा है कि मूल तौर पे ऑल इंडिया सर्विसेज जो है या उनके अधिकारी जो है वो रिपोर्ट केंद्र सरकार को ही करते हैं। आज भी केंद्र सरकार में इतनी शक्तियां नहीं थे, अगर बदलाव नहीं भी करते हैं तो भी जो हम लोग लोन पे दिए जाते हैं राज्य सरकारों को, परंतु हम बेसिकली रिपोर्ट केंद्र सरकार को ही करते हैं। और ये उल्टा भी होता रहा है, कोई अधिकारी अगर केंद्र सरकार में है तो उसकी राज्य सरकार भी द्वेष की भावना से किसी भावना से उसको वापस बुला सकती है। तो वो दोनों तरफ से होता है। तो जो बदलाव ये लाया जा रहा है वो इस कारण से लाया जा रहा है कि बहुत सारे अधिकारी शायद राज्यों में बैठ के ये सोचते हैं कि वो उनको केंद्र सरकार की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है जो कि नियमों के विरुद्ध है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, बदलियां प्रमोशन इत्यादि इत्यादि। देखिए हमें हमें जो प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन देता है अगर वो प्रोटेक्शन जारी नहीं रखेंगे तो सिविल सर्विस बखूबी अपना काम नहीं कर पाएगी। हमारा मोराल नीचे जाएगा तो हमारी परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ेगा और पड़ रहा है। आज की डेट में देखिए जितने काबिल स्टूडेंट्स होते थे कॉलेज इत्यादि में पढ़ते थे ज्यादातर लोग सिविल सर्विस में देश सेवा। ठीक है सर, मैं इस पे रिएक्शन ले लेती हूँ फिर आपका रुख करती हूँ। बादल जी, अब जिस बात का जिक्र मधुकर गुप्ता जी कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो राज्य में अधिकारी बैठ जाते हैं उनको लगता है कि केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि रिपोर्ट केंद्र को ही करनी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए केंद्र सरकार ये संशोधन करना चाहती है। तो सर फिर अगर विरोध किया जा रहा है तो किन बिंदुओं पर किया जा रहा है और क्या लगता है कि विरोध से कुछ फायदा होगा? मैडम, मैं 7-8 साल से मैं बोल रहा हूँ, कोई मैं जब बोलता हूँ हंसते ठीक है, कोई बहन क्योंकि मेरा हिंदी खराब है मुझे मालूम है, लेकिन मैडम इनको बता दीजिए जब मैंने बोला ममता दीदी की जब पहले बोलते उसके बाद हम सब बोलते हैं क्योंकि पार्टी ऐसे चलते है, पार्टी का रूल रेगुलेशन है। लेकिन उनको एक बार पूछ लीजिए, महेश जी को एक बार पूछ लीजिए, मैं सम्मान से कह रहा हूँ, जो उनको जो पार्लियामेंट जो बदलाव आने का जो कोशिश मोदी जी कर रहा है, क्या बदलाव आने के मोदी जी बदलाव आने के बाद उसको पता चलता है, एक बार पूछ लीजिए उनको। दूसरा, जो सर ने जो कहा आईएएस ऑफिसर एक ऑफिसर ने जो कहा मैं उनको मानता हूँ, सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जो चीफ सेक्रेटरी जो होता है आईएएस का जो गवर्नमेंट का हर राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी है और जो मंत्री का जो सचिव रहता है प्रधानमंत्री का सचिव रहता है, जितना आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर जो 35 साल का नौकरी करता है, इस रूल का रेगुलेशन में मैं उससे पहले मैं इनके कहा जिनके बाद मैं कहूंगा, जिनके बोलेंगे उसके बाद मैं कहूंगा, रूल का रेगुलेशन में जैसे एक मिनिस्टर को कोई भी राज्य हो बिहार हो आसाम हो
त्रिपुरा हो, त्रिपुरा गोवा हो, मध्य प्रदेश दिल्ली हो, एक चीफ सेक्रेटरी एक सीएम को चलाता है। लेकिन सीएम विधानसभा में जीतने के बाद वो एक सीएम मुख्यमंत्री बनते हैं, मतलब उनका एक पावर भी है। और लेकिन आईएएस ऑफिसर में रूल्स रेगुलेशन है, जो साजिश रूल्स है, साजिश उसके आधार पर जो काम करते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट को सदन को डेवलप करना एक चीफ सेक्रेटरी का काम होता है, एक आईएएस ऑफिसर का काम होता है। उस आईएएस ऑफिसर जो सेंट्रल जो आईएएस ऑफिसर जो प्रधानमंत्री दफ्तर में जो आईएएस ऑफिसर जो है, जो प्रधानमंत्री के जो घर करके रखते हैं, उन लोगों का बात नहीं सुनता साजिश रूलता, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन सुने ना, वही चीफ सेक्रेटरी का काम होता है। सर हमारी बात सुन लीजिए, मधुकर जी को सुना आपने, उनका कहना है कि चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, पॉलिटिकल दबाव रहता है, जिस वजह से जो आईएएस अधिकारी है, जो प्रशासन है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता है। मैंने एक साथ में पहले ही आपको कहा कह दिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन का बदलाव करने का जो कोशिश मोदी जी कर रहा है, इसमें एक दबाव का बात है। ठीक है महेश जी, किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं? क्योंकि इनका कहना है कि जितने सरकार ने फैसले लिए हैं, केंद्र ने फैसले लिए हैं, उसका फायदा कुछ नहीं हुआ है। चाहे हम जीएसटी की बात करें, नोटबंदी की बात करें, और भी तमाम फैसले लिए गए हैं, कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है लेकिन अब किस तरह का बदलाव होगा अगर ये संशोधन होता है? सुन लीजिए ना सर, अगर आपने पूछा तो सुनिए भी तो। अब ममता जी को फायदा नहीं हुआ होगा, उनको करिंदे के, उनके जो करिंदे हैं जो मार काट करते हैं, जो वहाँ जिस तरह से वहाँ पे हाय तुबा मचाने वाले लोग हैं, ये बादल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। क्या बदलाव सवाल पूछ रहे आपका तो नाम इनको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, मिर्ची बहुत तेज लगी है, अरे पानी पिलाओ इनको, पानी पिलाओ। ठीक है सुन लेते हैं जल्दी से जवाब दीजिए। बादल जी प्लीज ऐसे मत करिए। बादल जी इनकी आवाज बंद कर दीजिए। ठीक है जल्दी से बात रखिए अपनी। देखिए मेरा कहना है नया जी कि ऐसे में ये ऐसे कैसे बात होगा, यहाँ तो इनका फेदर डाउन कीजिए। ठीक है रखिए अपनी बात। हाँ मेरा ये कहना है कि जो मधुकर जी अभी कह रहे थे कि भाई हमारे तो आईएएस अफसर हैं या यूपीएससी के जो अधिकारी होते हैं जो राज्यों में जिनकी तैनाती होती है, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए आप अधिकार की अगर बात करते हैं तो आपकी ड्यूटीज भी होती है। नहीं बदलाव क्या होंगे सर, बदलाव पे आइए ना, बदलाव हमें बताइए। सबसे पहला बदलाव तो ये है कि अंग्रेजों के टाइम का जो ये सिविल सर्वेंट की जो ट्रेनिंग है इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। इनको जो अंग्रेजों के टाइम की एक जो हम ट्रेनिंग देते आ रहे हैं और उस मानसिकता से ये जो काम करते हैं राज्य में जाके, ये अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हमारी देश के प्रति कोई ड्यूटी नहीं है, जनता के प्रति हमारी एक संवेदना जो इनके अंदर होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, जो जमीन पे उतर के काम करना चाहिए, ये सबसे पहले उस चीज को हम किस तरह से उसको आप ये कह लीजिए कि उसको एक रीस्ट्रक्चरिंग करने की एक ट्रेनिंग का तो है ही मॉड्यूल, साथ में इनको उससे पहले कई ऐसी चीजों में इनको हमें लेकर जाना पड़ेगा। जैसे अमूमन आपको मैं बताऊं कि इनकी जब ट्रेनिंग होती है तो इनको बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में जो ट्रेनिंग होनी चाहिए जिस तरह का वो जरूरी है। बिल्कुल, अगर वो ट्रेनिंग जरूरी है और उम्मीद करते हैं कि अगर आप बदलाव करेंगे तो उससे, अगर संशोधन करेंगे उससे कुछ बदलाव होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।